ضائع میں بغیر کسی تمہید کے وقت کو ضائع کے بغیر جناب استاد الشعرا جناب خادم شبیر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں آخری شاعر اس بزم کے آج کی اس بزم کے کہ جناب خادم شبیر نصیر آبادی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ سے یہ کثیر مجمع دیکھ کر شاعر کے پاس لفظوں ہی سے نشست پیدا کرتا ہے اور شعر کو مرتب کرتا ہے لیکن کبھی کبھی الفاظ اس کو میسر نہیں ہوتے کہ آپ مومنین کی مدح کروں کثرت کے اعتبار سے بس صاحب نظر حضرات کا مجمع ہے جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے دو مطلعے اور ایک شعر صاحب نظر حضرات سے پیش خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے صاحب نظر حضرات ہیں پیش خدمت کر رہا ہوں یہ رہا شام کے دربار میں کھلا زینا کیا کھلا سنیے گا سماج فرمائے کہ شانی مشا سنیں گے بھیا یہ راز صاحب نے حضرت تاریخی پس منظر میں کلام پیش خدمت کر رہا ہے کہ خادم شبیر ملاحظہ فرمائے یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا سنے گا بھیا شیر تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب یہ راز راز شام کے دربار میں کھلا زینب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب پھر مرزا سنیں میں صاحب نظرات دعا کا طالب ہوں داد و تحسین دعا ہی کی شکل ہے لیکن خصوصی دعا چاہوں گا اس مطلب پر ملاحظہ فرمائیں کہ آزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زیلا سنیں گے بھیا ادا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زیلا دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا ازا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب
आखिरी शेर समाप्त फरमाएंगे अश्वारा किराम की खिदमत में, इसलिए कि शायद इस शेर पर खुल के दाद मिल जाए उनसे। दिलों में हो गई तामीर करबलाओ जैन, भैया सुनिएगा शेर, कि निकाले शाम में यूं हक के रास्ते तूले, यजीद भूल गया अपना रास्ता। निकाले शाम में यूं हक के रास्ते तूले, यजीद भूल गया अपना रास्ता, ज़ैनब और सदा याती है दुनिया के गोशे गोशे से, न मिट सकेगी तेरे भाई की अज़ा। निगाहे जनाब सैयदा होती है। ये मोहतरम नजीर बाखरी साहब से गुजारिश है कि मिसाफिर समाज फरमा लें, हर चश्म के ऊपर नजरे जहरा है, हर चश्म के ऊपर नजरे जहरा है। पानी पानी दो घूट पी लू, दो घूट पानी पिला दो। फरमाए हुक्म है, तामील हुक्म पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, एक मंजर है एक सलाम के एतबार से, समाज फरमाए, हमें नौजवान हजरात समाज फरमा लें, एक मौला की शान में
जनाब अबुल फजील अब्बास सलाम की शान में ये बदला मंजर के तौर पर है, मवाद के एतबार से अदबी तो कुछ नहीं है लेकिन मंजर के एतबार से मेयार रखता है। ये अदबी जुमला क्योंकि आदाब महफिल हमारी जो है वो मुअय्यन है इसलिए पेश खिदमत कर रहा हूँ। मुलादा फरमाइए मतलब कि देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। सुनेंगे भैया, रह गया अब्बास का चेहरा पानी। कब और क्यों, कब और क्यों, सानी मिसा सुनेंगे। देखता अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका। सुनेंगे सलाम, अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर ने फिर बदला सुने, हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी। मुलादा फरमाए ये मतलब खुशू बहुत बहुत अच्छा है, मैं तामील हुक्म में पेश कर रहा हूँ, ताखीर हो गई, मैं समझ रहा हूँ दिल की गहराइयों से कलाम पेश खिदमत कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि हुक्म पाता तो दिखाता ये करिश्मा पानी, लश्करे शाम को लम्हों में डूबो। हुक्म पाता तो दिखाता ये करिश्मा पानी, लश्करे शाम को
लम्हों में पानी। मुखातिबा सुने, हर शायर का असलूब बयान अलग अलग होता है, ये इस जिक्र का मौजिदा ही है। लेकिन एक तखील समाज फरमाए, मुलाजा फरमाए, फिर शुआरा से गुजारिश की शक्ल में कि दिल खोल के सुने, चाहे दाद दे चाहे ना दे। दादिन मोमिनीन की हकीर खादिम शब्बीर के लिए मुकम्मल और काफी है। इसलिए पेशे खिदमत कर रहा हूँ, सुने कि तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को। परेशानी में सा सुनिएगा, पानी से मुखातिबा है। तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को, कौनैन में हर प्यासे को, करबला में तुझे प्यासों ने हरा। नतीजा क्या होता है, एक शेर और सुन ले। इस कलाम में 111 अशआर हैं, मगर एक शेर और सुन लीजिए। पेश खिदमत किए जा रहा हूं कि अगर एजाज़े इमामत से आका काम लेते तो तसव्वुर अकीदत के रुख से टकराता ये है कि प्यास और तशनगी बुझा ही लेते मौला। लेकिन अगर एजाज़े इमामत दिखा देते तो नतीजा क्या होता, सिर्फ तशनगी बुझाने तक न होता। अभी शेर का सानी मिसरा बताएगा तो क्या होता। अगर रन में देखा थे शबीर, डूब जाता ये जहां इतना बरस। Thank you.
گزارش ہے پکڑے نا کبھی شمر کے خنجر